إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा दफ़ाउ दीमा हर तरह की तारीफ उस अल्लाह रबुलामीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है राज है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और दर उदोसलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूसा आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा मुस्तफ़ी अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाज़रीन अल्लाह तबारक व ताल का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि उसने हम तमाम को पैदा किया ज़िंदगी गुज़ारने का सलीक़ा सिखाया और अपने नबियों के ज़रिए से ये पैगाम भेजा कि अगर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो मरने के बाद अल्लाह ताला नेमतों से नवाजेगा अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे ना शुक्री करेंगे तो अल्लाह तबार व तआला मरने के बाद जहन्नम में दाखिल कर देगा जिसमें अजाब की मुख्तलिफ शक्लें होंगी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्लम हम तमाम को जन्नत वाला अमल करने की तौफीक नायात फरमाए और अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से अल्लाह हम सब को महफूज रखे हम तमाम का इस बात पर अकीदा है कि इंसान को मरना है मरने के बाद फिर अल्लाह तबारक वाली तमाम इंसानों को इकट्ठा करेगा ज़िंदा करेगा हिसाब व किताब लेगा अच्छे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा बुरे लोगों को जहन्म में दाखिल करेगा वो कौन सी नेकियां हैं जिससे इंसान जन्नत में जा सकता है और वो कौन से गुनाह हैं जिससे इंसान जन्नत से महरूम हो सकता है इन तमाम की तफसीलात क़ुरान में हदीस में बयान कर दी गई है आज के खुतबे में मैं जन्नत की कुछ नमतें और जन्नत में कौन लोग जाएंगे इस सिलसिले में कुछ मुख्तसर गुफ्तु करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे हक बात कहने की हजरात को सुनने और समझने की और हम तमाम लोगों को हक बात कबूल करने की और अमल करने की तौफीक तो इनायत फरमाए सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल्लाजा बजल आदत तोबाद मैंने अपने नेक बंदों के लिए कुछ नेमतें तैयार कर रखी हैं माला आनरात वला उजनसमियत वला ख़तरा अला कलब बशर वो नेमतें ऐसी हैं जिसको किसी आँख ने अब तक देखा नहीं वो नेमतें ऐसी हैं जिसको किसी कान ने अब तक सुना नहीं वो नेमतें ऐसी हैं कि जिसके दिल में किसी के दिल में उसका ख़्याल तक अभी नहीं आया अब सोचिए वो नेमतें कैसी होंगी उन नेमतों का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता सही मुस्लिम की एक और हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महल है और वो महल सोने का है इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत है मैंने वहाँ पूछा कि ये किसका महल है तो मुझे बताया गया कि ये कुरैश के एक आदमी का है सही हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने सोचा शायद वो मैं ही हूँ लेकिन मैंने पूछ लिया कि भाई वो कुरैश के एक आदमी का है तो वो आदमी कौन है तो मुझे बताया गया कि वो उमर बिन खत्ताब हैं वो महल सोने का है बहुत हसीन और ख़ूबसूरत है कुरैश के एक आदमी का है बताया गया कि उमर बिन खत्ताब का है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मेरे दिल में ये तमन्ना हुई कि अब यहाँ तक आ गया हूँ महल में दाखिल हो जाऊँ उसके अंदरूनी हिस्से को भी देख लूँ लेकिन मुझे हैते उमर बिन ख़ाब रजी अल्लाह तैालों की गैरत याद आ गई लिहाजा मैं महल में दाखिल नहीं हुआ ने अपना ये वाकया साहब कराम से बताया हैते उमर बिन ख़ाब रजिएल्ला तैालों को जब यह हदीस मालूम हुई और ये फजीलत उनकी मालूम हुई तो उनके आँखों से आंसू जारी हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल क्या आप मुझ पर गैरत करते हैं क्या मैं ऐसा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा बड़ी मोहब्बत करते थे है तो उमर रजी अल्लाह तैनों का आंखों से आंसू बहाना और यह कहना कि ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं आप पर गैरत करूँगा ये इस बात की दलील है कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरा घर आप ही का घर है आप जब चाहें जिस तरह चाहें आ सकते हैं जैसे हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो कहते हैं हमने अपने आ, आप आपको अपने से अलग नहीं समझा हमारा घर आपका घर है आप कभी भी आ सकते हैं तो इस तरीके से सहब कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ला वल्म से मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु सल्ला वम की एक और हदीस है सही मुस्लिम की आप सल्लल्लाहु सल्ला वल् फरमाते हैं कि जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे तो अल्लाह की तरफ़ से मुनादी करने वाला एक शख़्स मुनादी करेगा एक फरिश्ता मुनादी करेगा कि आए जन्नत वालो सुन लो तुम हमेशा जन्नत में ज़िंदा रहोगे तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी दुनिया में इंसान खुश होता है बहुत सारी नेमतें मिलती हैं लेकिन फौरन उसको याद आ जाता है कि ये ज़िंदगी चंद रोज़ की है मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा लेकिन जन्नत में जाते ही फ़रिश्ता ऐलान करेगा अय जन्नतियों खुश हो जाओ तुम जन्नत में हमेशा ज़िंदा रहोगे यहाँ कभी मौत नहीं आएगी एक और हदीस बयान करके फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ एक और हदीस में इसी को इस इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है कि जन्नती लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे जहन्नमी लोग जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे एक फरिश्ता ऐलान करेगा जन्नत वालों तो तमाम जन्नती मुतनवा हो जाएंगे फिर ऐलान करेगा जहन्नम वालों तो जहन्नम में जितने लोग हैं सब मुतनब्बा हो जाएंगे जन्नत और जहन्नम के बीच में मौत को एक मेढे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान उसको जबह कर दिया जाएगा वो फरिश्ता ऐलान करेगा जन्नती लोग खुश हो जाओ जो जन्नत में हैं वो जन्नत की नेमतों में हमेशा रहेंगे अब उनको कभी मौत नहीं आएगी जो जहन्नम में हैं वो जहन्नम में रहेंगे कभी उनको मौत नहीं आएगी जहन्नम वाले मौत की तमन्ना करेंगे लेकिन अल्लाह तबारक तआला उनको मौत नहीं देगा जन्नत और जहन्नम के लोगों को ऐलान कर दिया जाएगा मौत को मौत आ चुकी है अब किसी को मौत नहीं आएगी जन्नती लोगों को ऐलान किया जाएगा एक फरिश्ता पुकारेगा तुम हमेशा जन्नत में जिंदा रहोगे कभी तुमको मौत नहीं आएगी इसी तरीके से दूसरा ऐलान करेगा तुम जन्नत में हमेशा तंदुरुस्त रहोगे कभी तुम्हें बीमारी नहीं आएगी आज इंसान ज़रा दिनों तक बीमार रहता है तवाना और तंदरुस्त रहता है बीमारियां आती हैं परेशानियां आती हैं बड़े से बड़े पहलवानों को नहीफ और कमज़ोर कर देती हैं जन्नत की नेमतों में से एक नेमत यह है कि इंसान हमेशा जवान रहेगा इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहेगा उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा उसको कभी बीमारी नहीं आएगी फिर फरिश्ता ऐलान करेगा तुम हमेशा जवान रहोगे कभी बूढ़े नहीं होगे इसी तरीके से फिर ऐलान किया जाएगा ए जन्नतियों, तुम हमेशा खुश रहोगे तुम्हें कभी कोई गम नहीं होगा फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे

उनके इस्तकबाल के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे फरिश्ते ऐलान करेंगे अलैकुम, तिब तुम फ़द खू तुम्हारे ऊपर सलामती हो तुम्हारे ऊपर खुशी हो तुम हमेशा हमेश जन्नत के अंदर रहोगे इंतहाई खुशी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ मेरे भाइयों जन्नत में जो दाखिल होंगे ये उनकी खुशनसीबी होगी जहन्नम में जो डाले जाएंगे ये उनकी बदनसीबी होगी अल्लाह तबार व तआला ने फरमाया ला यवि असहाबुलना जन्ना असहाबुल जन्नत हुमुल दौन जन्नत वाले जहन्नम वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं असहाबुल जन्नत हुमुल दौन जन्नत वाले यही कामयाब होंगे जो जन्नत में गए वो कामयाब हो गए जो जन्नत से महरूम हो गए वो नाकाम हो गए अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया फमनजूह अन नारी व उद खिल जन्नत फ़कद फाज़ जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया जन्नत में दाखिल कर दिया गया फ़द फाज तो वो कामयाब हो गया जन्नत में दाखिला ये कामयाबी है जन्नत से महरूमी ये नाकामी है चुनान्च आप पूरी तारीख उठाकर पढ़ें कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे बहुत सारे वाकयात बयान किए हैं कि जन्नत में एक घर पाने के लिए जन्नत में एक मकाम पाने के लिए इंसानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी तैरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपने फ़रमाया कि जन्नत में एक कोड़े के बराबर एक छड़ी के बराबर अगर जिंद ज़मीन मिल जाए तो दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है ये छड़ी जो मेरे हाथ में है जन्नत में इतना हिस्सा अगर मिल जाए तो ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर यही वजह है कि अल्लाह वाले हमेशा जन्नत की फ़िक्र करते हैं अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में सूरह तहरीम के अंदर फिरौन की बीवी का वाकया बयान किया है फिरौन जो लोगों के ऊपर जुल्म करता था फिरौन जो लोगों के जिस्म में मेखें ठुकवा देता था अपनी बीवी पर वो हुकूमत नहीं कर सका हजरत आसिया अलैहिस्सलातु तस्लीम जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाई फिरौन के मजालिम उनको ईमान से बेदखल नहीं कर सके हज़रत आसिया ने अल्लाह से दुआ की रब्बी नीली इंद कबई तनफिल जन्ना व नजनी मिन फिरऊना व अमल ही व नजिन मिनिमिन अ मेरे परवरदिगार मुझे जन्नत में तेरे सामने एक घर बना दे और फिराउन से और जालिम कौम से मुझे नजात दे दे वो मलिका जिसके लिए आलीशान महल है वो मलिका जिसकी खिदमत के लिए हज़ारों खादिमाएं हैं वो मलिका जिसके इशारे पर तमाम लोग कुर्बान हो जाते हैं लेकिन उसको वो महल काटने लगा उसके निगाह में उस महल की कोई हैसियत नहीं उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तेरे सामने मेरे लिए जन्नत में घर बना दे चुनान्च सही हदीस है मरने से पहले अल्लाह तबारक वाली ने आसमान को फाड़ दिया और हजरत आसिया ने अपना मकाम जन्नत में देख लिया इसलिए मरते हुए मुस्कुराते हुए दुनिया से चली गई वो जन्नत अल्लाह तबारक वाली की सबसे अजीम नेमत है जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया जो जन्नत से महरूम हो गया वो नाकाम हो गया कौन लोग जन्नत में जाएंगे किन लोगों को जन्नतें मिलेंगी जन्नत में जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान साहिब ईमान हो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान मजबूत हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में मुख्तलिफ बाला खाने होंगे और एक बाला खाने वाले दूसरे बालों को देखेंगे कैसे जैसे हम जमीन से आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारों को देखते हैं नबी ससलम फरमाते हैं एक बाला खाने वाले अपने ऊपर वालों को ऐसे ही देखेंगे टिमटिमाते हुए सितारों की तरह से साहब इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो मकाम तो अम्बिया का होगा बड़े बड़े अल्लाह वाले होंगे अल्लाह के नबी ससलम फरमा नहीं जो भी अल्लाह पर ईमान लाए जो भी अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद उसके तकाज़ों को पूरा करे अल्लाह तबारक तआला ऐसे तमाम लोगों को उस जन्नत में दाखिल करेंगे इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह पर सही ईमान लाएं, अल्लाह के रसूल सेलम पर ईमान लाने के बाद ईमान के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करें जन्नत ख्वाहिशात से नहीं मिलती है आप सिर्फ़ तमन्नाएं करते रहें आप सिर्फ़ ये कहते रहें कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं ऐसा नहीं होता है जन्नत के लिए संघर्ष की ज़रूरत है जन्नत के लिए मेहनत की ज़रूरत है जन्नत के लिए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की पाबंदी की ज़रूरत है जो अल्लाह तबारक तआला के बताए हुए फ़रामीन पर अमल करता है अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत से उसे जन्नत में दाखिल करता है इसी तरीके से जन्नत में वो लोग जाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद हिजरत करते हैं मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए गए सिर्फ इस्लाम लाने की वजह से ईमान कबूल करने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें और परेशानियाँ उनके ऊपर डाली गईं यहाँ तक कि बासबा बहुत परेशान हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल हम ये मुल्क छोड़ देंगे अल्लाह तबारा ने हुम दिया पहले लोगों ने हफ्सा की तरफ हिजरत किया बार में मदीना की तरफ हिजरत किया अपने रिश्तेदारों को छोड़ना अपने मुल्क को छोड़ना अपने घर को छोड़ना अपने ज़मीन व जायदाद को छोड़ना ये मामूली बात नहीं है अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं कि जो लोग हिजरत करते हैं मैं उनको जन्नत में एक घर की जमानत देता हूँ इसी तरीके से जो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं मैं उनको भी जन्नत की जमानत देता हूँ तो हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के हकम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें इसी तरीके से मुसद अहमद इब्न हंबल की एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जो लोगों को खाना खिलाते हैं नरम गुफ्तगू करते हैं रोज़ा रखते हैं तहज्जुद का अहतमाम करते हैं आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आद द्लामन आताम तमाम अल्लाह तबारक वाली ने उस जन्नत को ऐसे लोगों के लिए तैयार किया है जो खाना खिलाते हैं उस जन्नत की सिफत अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि वो महल्लात इतने हसीन और ख़ूबसूरत हैं कि अगर बाहर से देखा जाए तो अंदर का मंज़र नज़र आता है और अगर अंदर से देखा जाए तो बाहर का मंज़र नज़र आता है वो महल्लात इतने ख़ूबसूरत होंगे प्यारे नबी ने फ़रमाया आदमन आताम उन महल्लात को अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए तैयार किया है जो लोग खाना खिलाते हैं वह कलाम और गुफ्तु में नरमी अख्तियार करते हैं किसी से गुफ्तु करते हैं तो रेस्पेक्ट के साथ इज्जत के साथ सामने वाले को हकीर नहीं समझते हैं सामने वाले को कमतर नहीं समझते हैं आज हमारा हाल क्या है Osionfish. हम अपने लेवल के लोगों से गुफ्तु करते हैं तो हमारी हमारी ज़ुबान हमारा लबो लहजा अलग हुआ करता है और जब हम अपने से कमतर और अपने से कमज़ोर लोगों से गुफ्तु करते हैं तो हमारी ज़ुबान हमारा लबो लहजा अलग हुआ करता है जब भी हम गुफ्तु करें सामने वाले को इज़्ज़त दें बात में शाइस्तगी हो गुफ्तु में नरमी हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ह सभी फ़ाश गोई नहीं करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बदकलामी नहीं करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरम गुफ्तु करते थे आपकी गुफ्तगु में शाइस्तगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के बदनाम लोगों से भी गुफ्तु करते थे बड़ी इज़्ज़त के साथ किया करते थे सही बुखारी की वो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स आया अंदर दाखिल होने की इजाज़त चाहिए उमुल हरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह कहती हैं हमारे नबी ने फरमाया ये लईमकोम है बे बेसाखलशीरा अपने कबीले का बदनाम आदमी है उसको इजाज़त दे दीजिए वो शख्स अंदर आया बदनाम आदमी जिसको लोग पसंद ना करते हों जो समाज और माशरे में जलील और रसुआ हो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ आपने उससे गुफगू की और ऐसी गुफ्तु की गए गोया कि आप बहुत ज़्यादा उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ रजी अल्लाह तह ने यह मंज़र देखा उसके जाने के बाद हज़रत आयशा सदी रजी अल्लाह तह ने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल जब वो आदमी आपकी खिदमत में आया था तो आप उसके ताल्लुक से ऐसी ऐसी बात कह रहे थे और जब उसे, उसने आपकी मजलिस में हाजिरी दी तो आपने उसको बहुत इज्जत दी आपने उसको उसको शाइस्तगी से उससे गुफ्तगु की आपने फरमाया कि वो शख्स वो शख्स बड़ा बदनसीब है और वो शख्स बड़ा ही बद है जिससे उससे कौम के लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें उसकी बदकलामी की वजह से उसकी बदामली की वजह से तो समाज और माशरे के बदनाम लोग भी हमारे नबी की खिदमत में आ जाते थे तो आप उनको रिस्पेक्ट देते थे आप उनसे इज़्ज़त के साथ गुफ्तगु करते थे आपने फरमाया कफ़ा बिल बिलमर इसमन अर आलमसलम किसी भी इंसान के लिए गुनहगार होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि अपने मुसलमान भाई को वो हकीर समझे जब भी किसी से गुफ्तु करें सामने वाले को इज़्ज़त दें और मैं आपको बताऊं इज्जत कौन देगा इज्जत वही दे सकता है जो इज्जतदार हो जो खुद इज्जत वाला हो वही दूसरों को इज्जत दे सकता है। जिसके पास खुद की इज्जत ना हो वो दूसरों को इज्जत नहीं दे सकता इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो महल जिसके अंदर से बाहर का मंजर नजर आता है बाहर से अंदर का मंजर नजर आता है अल्लाह तबार व तआला उसमें ऐसे लोगों को दाखिल करेगा आदल तमाम अल्लाह ताला ने उसको ऐसे लोगों के लिए तैयार किया है जो लोगों को खाना खिलाते हैं अल कलाम और नरम गुफ्तगु करते हैं ताब अस्याम और रोज़े पर रोज़े रखते हैं कसरत से रोज़े रखते हैं रोज़ा रखना ये बहुत सवाब का काम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं वो अलग है नफली रोज़ों का अहतमाम करना नफली रोज़े बहुत सारे हैं शवाल के छः रोज़े आप रख सकते हैं हर महीने में अयाम बीस के रोज़े रख सकते हैं तेरह चौदह पंद्रह अरबी महीने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात का और पीर का रोज़ा रखते थे वो भी आप रख सकते हैं इसी तरीके से मुहर्रम के रोज़े रखें आशूरा का रोज़ा रखें आप अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के नौ दिनों तक रोज़ा रखते थे बहुत सारे रोज़े नफली हैं आप रख सकते हैं कसरत से रोज़ा रखने वालों को अल्लाह तबार व तआला वो मकाम देगा एक हदीस में अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाए, ने फरमाया कि एक शख्स जो एक दिन जो एक दिन अल्लाह की रजा के लिए रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसको जहन्नम से सत्तर साल की मसाफत पर दूर कर देता है यानी जहन्नम से अल्लाह ताला उसको इतना दूर कर देता है सत्तर साल तक जो आदमी मुसाफत करेगा एक नफली रोज़े का ये फ़ायदा है अगर हम कसरत से नफली रोज़े रखेंगे बहुत सारी फजीलतें हासिल कर सकते हैं। इसी तरीक़े से आप सल्ह ने फरमाया कि उस घर को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए तैयार किया है वसल बिल्ली व ना सुनियाम जब वो रात में उठ के नमाज़ पढ़ता है लोग सोए हुए रहते हैं तहज्जुद का अहतमाम करना तहज्जुद ये बड़ी फजीलत वाला अमल है आज हमारा हाल ये है कि कितने लोग फ़र्ज नमाजों का अहतमाम नहीं करते अगर ये पूछा जाए कि आज कितने लोग हैं जिन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी है और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी है कितने लोग जवाब देंगे हाँ में? आप सोचें हम हम फर्ज नमाजों में कितना गफलत करते हैं कितनी सुस्ती करते हैं तहज्द कैसे पढ़ सकते हैं हालांकि अल्लाह तबार को ने यह मुख्तर ज़िंदगी दी है अल्लाह की इबादत के लिए आदमी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं जब वो चालीस साल पचास साल का हो जाता है तब उसको चाहिए कि अपनी इबादतों में और ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करे अपनी इबादतों में ज़्यादती पैदा करे पहले फ़र्ज़ नमाजों का अहतमाम करता था चालीस के बाद पैंतालीस के बाद फ़राइ के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें और पचास साल पचपन साल हो गया अब वो तहजद का भी एहतमाम करे और ज़्यादा तरक्की किया कसरत से रोज़े रखे क्यों इसलिए कि 40 साल के ऊपर होना 50 साल के ऊपर होना 55 साल के ऊपर होना यह इस बात की दलील है कि अब आपकी ज़िंदगी जो है ज़्यादा गुजर चुकी है बहुत कम बाकी रह गया अल्लाह के नबी सल्ला वसलम को भी अल्लाह तबारा ने आखिरी वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तार करने का हुक्म दिया तो हमें चाहिए कि जो उम्र वाले हैं वैसे तो सब लोगों को करना चाहिए नौजवानों को भी करना चाहिए बूढ़ों को भी करना चाहिए बच्चों को भी करना चाहिए औरतों को माओ और बहनों को भी करना चाहिए लेकिन अगर सारे लोग नहीं कर सकते हैं तो घर के बड़े अफराद उनको तो इस बात का अहमाम करना चाहिए उनको देख करके आने वाली नस्लें भी उन पर अमल करेंगी इसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए इसी तरीके से अल्लाह तबार को तौ की जन्नत उन लोगों के लिए है जो मुसीबतों परेशानियों पर सब्र करते हैं अल्लाह के नबी ससरम ने ख़ुसूसी तौर पर फरमाया कि वो शख्स जो अपने अपने बेटे की जुदाई पर अपनी औलाद की जुदाई पर सब्र करता अल्लाह तबार को तौर फरिश्तों से कहता है कि तुमने मेरे बंदे के बेटे को मौत दे दी एक बाप के सामने बेटे का जनाजा मैं मैं समझता हूँ कि एक इंसान के लिए इससे बड़ी मुसीबत कुछ और नहीं हो सकती अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे वो लोग इस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बेटों की अपनी औलाद की नमाज जनाजा पढ़ी हो अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से कहता है तूने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को मौत दे दी फरिश्ता कहता हां अल्लाह तेरा हुक्म था तेरा हुक्म था मैं क्या करता अल्लाह ताला सवाल करता है फमादी बेटे की जुदाई पर बेटे की वफात पर मेरे बंदे ने क्या कहा फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह का वह सर जा हम देख वर् तारीफ की अलहमद कहा इन्ना ही राजिऊन पढ़ा बेटे की जुदाई पर कोई अलहमद पढ़ता है लेकिन नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह का हुक्म है हमारी औलाद की अमानत है हमारे पास जब अल्लाह तला चाहता है अमानत को हमारे हवाले कर देता है और जब चाहता है अल्लाह तबारक सवाल कर लेता है हमें उसके हवाले कर देना है यह अल्लाह की अमानतें हैं अल्लाह जब तक चाहे हमारे पास रखे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम की वफ़ात हो गई अभी बचपन में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास बैठे हुए हैं कब्र तैयार की जा रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गए आप रो रहे हैं आपकी दाढ़ी तर हो गई सहाबा ने देखा सहाबा ने देखा कि नबी की आंखें अश्कबार हैं सहाबा भी रोने लगे कहा अल्लाह के रसूल आप रोते हैं कहा आंखें रो रही हैं आंखें रो रही हैं दिल मुस्तरिब है लेकिन अल्लाह तबार व तआला के फैसले पर राजी हूं मेरे भाइयों अल्लाह के फैसले पर रजामंदी का इजहार करना बेटे की जुदाई बेटे की मौत पर सब्र करना है तो इब्राहिम का वाकया अभी चंद दिनों पहले जिक्र किया गया तबारक व के हुक्म से अपने जवान बेटे को एक बूढ़ा बाप मिना की मुकद्दस वादी में जब करने के लिए तैयार हो गया अल्लाह का हुक्म है सर तस्लीम खम करना है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख्स जो बेटे की जुदाई पर अपनी औलाद की वफात पर सब्र करता है अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से पूछता है कि तूने मेरे जिगर के टुकड़े को मौत दे दी कहता है अल्लाह तेरा हुक्म था मैं क्या करता अल्लाह ताला कहता है काल अब्दी। मेरे बंदे ने क्या रिएक्शन क्या हुआ रिएक्ट किया हुआ कहता है फरिश्ता कहता है अल्लाह वस्तर जा। उसने तेरी तारीफ की अलहमद पढ़ा इन्ना, इन्ना राजिऊन पढ़ा अल्लाह कहता है मेरे उस बंदे के लिए जिसने अपने औलाद की जुदाई पर सब्र किया है जन्नत में एक आलिशान महल बना दो मेरे भाइयों औलाद की जुदाई मामूली बात नहीं है लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कुछ औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहा कि अल्लाह के रसूल मर्द हजरात आपके साथ में रहते हैं आपसे इस्तीफा करते हैं आपकी जुबान से जो बातें निकलती हैं सुनते हैं लेकिन हम आपके साथ में उतना वक्त नहीं गुजार सकते हैं ए नबी हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक दिन मुतन कर दें हम उस वक्त हाजिर हो जाया करें आप हमें भी नसीहत फरमा दिया करें हमारे नबी ने फरमाया फ़ला दिन फला मकाम पर फला वक्त में जमा हो जाओ चुनानचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक औरतें उस वक्त उस जगह पर जमा हो जाती हमारे नबीसम ने उनको नसीहतें की बहुत सारी नसीहतें की उसमें आपने फरमाया कि वो औरत वो औरत जिसके तीन बच्चे तीन बच्चे विलादत के वक्त या बचपन में विलादत के बाद अभी वो बलूगत को नहीं पहुंचे हैं अगर वो इंतकाल कर जाए और उस औरत ने सब्र किया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा एक औरत खड़ी हुई शायद उसके दो बच्चे मर चुके रहे होंगे उसने कहा कि है अल्लाह के रसूल आपने तो तीन की बात कही है अगर कोई औरत ऐसी है जिसके दो बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए हैं तो क्या दो बच्चों की जुदाई पर सब्र करने वाली औरत को भी जन्नत मिलेगा हुजूर ने फरमाया हाँ उसको भी मिलेगा अल्लाह अकबर फिर एक और औरत खड़ी हुई मुख्तलिफ खीन होंगी हमारी इस मजलिस में हमारी इस मस्जिद में जिन्हें मुसीबतें आई होंगी जिन्हें परेशानियां आई होंगी जिन्होंने अपनी औलाद की जुदाई पर सब्र किया होगा नौ महीने एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है उसके बाद बच्चे की विलादत के बाद वो बच्चा मर जाए कितनी तकलीफ होती है माँ को तीन की जुदाई पर नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई दो की जुदाई पर दो की मौत पर नबी ने बशारत सुनाई एक औरत और खड़ी होती है शायद उसका एक बच्चा इंतकाल हो गया रहा होगा कहती है हुजूर, अगर किसी का एक बच्चा अगर बचपन में इंतकाल कर गया क्या उसको जन्नत मिलेगी हमारे नबी ने फरमाया हाँ उसको भी मिलेगी तो बचपन में जो बच्चे इंतकाल कर जाते हैं माए सब्र करती हैं अल्लाह तबारक उन माओं को जन्नत में दाखिला फरमाएगा और ये बचपन में बचपन में इंतकाल करने वाले बच्चे अपने वालदान के लिए जहन्नम से बचने के लिए ढाल बन जाएंगे अल्लाह हम सब को सब्र की तोफ़ी फरमाए इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह लोग भी वह लोग भी जन्नत में जाएंगे जो अल्लाह के लिए घर तामीर करते हैं ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं मस्जिद बनाने वालों को अल्लाह तबार को उनके लिए जन्नत में घर बनाएगा आपने कई हदीसें फरमाई जो अल्लाह के लिए घर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है इसलिए हमें अगर अल्लाह तोफीक दे तो अल्लाह का घर बनाना चाहिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अकेले एक घर की तामीर करें अगर हम अकेले नहीं बना सकते हैं जहाँ पर मस्जिदों की तामीर हो रही है उसमें कुछ हिस्सा ले लें प्यारे नबी ससरम फरमाते हैं कि जिसने जिसने एक चिड़िए के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा चिड़िए का घोंसला कितना छोटा होता है कितना छोटा होता है हमारे नबी वसल्लम का इशारा इस बात पर था कि मस्जिद की तामीर में मामूली हिस्सा लिया उसको भी अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा इसी तरीके से मस्जिद की तोसी में भी जहाँ पर मस्जिदें बन चुकी हैं लेकिन उसकी तोसी की ज़रूरत है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है उसको मज़ीद मंजिला डालने की ज़रूरत है वहाँ भी ताउन करने से अल्लाह तबार व तआला जन्नत में घर बनाएगा इसी तरीके से जन्नत में वो लोग भी जाएंगे और जन्नत में उन लोगों के लिए भी महल होगा जो हक़ पर होने के बावजूद भी हक़ से दस्तबरदार हो जाते हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते अल्लाह तबारक वाल ने फरमाया कि सारे मोमिन आपस में भाई भाई, भाई इन इखवा फ़ासिल हुबई ना अख्वई को मोमिन आपस में भाई अपने भाइयों की इसलाह कर दिया करो मेरे भाइयों आपस में कोई झगड़ा हो गया किसी मसले को लेकर के जमीन को लेकर के जायदाद को लेकर के रुपए पैसे को लेकर के हम हक पर हैं जानते हैं इसके बावजूद भी हम झगड़ा नहीं चाहते हैं हम लड़ाई नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं भाई ठीक है आप ही ले लीजिए कोई बात नहीं है मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है अल्लाह के नबी ससलम फरमाते हैं जो झगड़े से बचने के लिए लड़ाई से बचने के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाए सामने वाले को कहे भाई तू ही ले ले मुझे झगड़ा नहीं चाहिए अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं वो खुश हो जाए जन्नत में उसके लिए एक महल की मैं जमानत देता हूं मेरे भाइयों आज एक एक बालिश के लिए लड़ रहे हैं एक एक फिट के लिए लड़ रहे हैं मुकदमात चल रहे हैं सगे भाई भाइयों का हक दबा कर बैठे हैं और एक तो वो है जो हाई भाई का हक दबा कर बैठा है एक ये है जिसको सब्र नहीं है मेरे भाइयों अल्लाह देने वाला है अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है अगर वो लड़ना नहीं चाहता है अगर वो झगड़ना नहीं चाहता है अगर वो लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना चाहता है अल्लाह के लिए सब्र करता है प्यारे नबी की यह हदीस याद रखो हमारे नबी ने फरमाया वो दुनिया में ज़रा ज़मीन छोड़ता है हम जन्नत में उसको एक महल की जमानत देते हैं जन्नत में उन लोगों को भी महल मिलेंगे जो लोग कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं आज लोगों को झूठ बोलना फैशन हो गया है बात बात पर झूठ अल्लाह के ये घर मस्जिदें भी महफूज नहीं हैं लोग मस्जिदों में बैठ कर झूठ बोलते हैं प्यारे नबी ने फरमाया मैं उसके लिए जन्नत में एक घर की जमानत देता हूँ जो मजाक में भी कभी झूठ ना बोले इंसान अपने दोस्तों के साथ रहता है हंसी मजाक करता है हंसी मजाक जायज है लेकिन दायरे में होना चाहिए हंसी मजाक के लिए झूठ का सहारा लेना यह सही नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आप उनसे भी हंसी मजाक किया करते थे लेकिन आप इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि कभी झूठ ना बोलें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी एक वाकया बताता हूँ वसल्लम का मजाक कैसा हुआ करता था मेरे भाइयों जिंदा दिल बनो हंसी मजाक कोई बुरी बात नहीं है लेकिन हद में होना चाहिए दायरे में होना चाहिए नबी सोसलम का मजाक कैसा होता था एक वाक बताता हूं आप सोसलम के पास एक सहाबी आए कहा अल्लाह के रसूल मुझे एक सवारी की जरूरत है मैं चाहता हूं आप मुझे एक ऊंट दे दे हमारे नबी ने फरमाया मैं तुम्हें ऊंटनी का बच्चा दूंगा मैं तुम्हें ऊटनी का बच्चा दूंगा साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे ऊंट की जरूरत है ऊटनी का बच्चा मैं क्या करूंगा हमारे नबी मुस्कुराए कहा जो ऊंट है वो भी किसी ऊँटनी का बच्चा है ये थी हमारे नबी की मजाक ये हम हम भी हंसी मजाक करें दायरे में रह करके मेरे भाइयों इसी तरीके से आखिरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक वाली से जो शख्स तीन मरतबा जन्नत का सवाल करता है जन्नत खुद कहती है अरे अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे اللهم اني اسالك الجنه اللهم اني اسالك الجنه अल्लाहुम्मा ल कल जन्ना अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूं मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूं तीन मरतबा एक बंदा अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है चौथी मरतबा जन्नत खुद कहती है अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे मेरे भाइयों अल्लाह से जन्नत का सवाल करते रहो जन्नत अल्लाह की है जिसे चाहेगा देगा बहुत सारे लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे उनकी सिफात बहुत ज्यादा हैं लेकिन एक जुमा तमाम बातों पर गुफ्तगु नहीं हो सकती थी ये चंद बातें थी जो मैंने आप के सामने बयान की है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक हम तमाम को दुनिया में इज्जत नसीब फरमाए और मरने के बाद जन्नत नसीब फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तो नंतम का रहीम बेरहमती का أرحم الراحمين آمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يَعْمُرُ بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه